वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है जो जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। डियर स्टूडेंट्स, उबैद के लिए जॉब ओपनिंग आ चुकी है और ये सिलेक्शन SST ग्रुप्स के द्वारा होगा। और आप जानते हैं SST ग्रुप्स SST इंस्टीट्यूट की ही एक यूनिट है। ये जो पोस्ट है HSC सेफ्टी एडवाइज़र का है, उबैद का है और बहुत ही अच्छी सैलरी है। आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि क्या वास्तव में इतनी सैलरी मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल आपको ये सैलरी मिलने वाली है, बशर्ते आप ये सारे रूल्स आप फॉलो करें और सारी चीज़ें जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है अगर उसको फुलफिल करते हैं, यह जॉब आपको मिलेगा, वह भी बगैर किसी पैसा, किसी तरह का पैसा भरे। तो ये जो जॉब है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो SSTians हैं, जो SST इंस्टीट्यूट से पास आउट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। अगर आप हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जितने भी SSTians हैं उनको ये मैसेज उन तक आप जरूर पहुंचाइए ताकि उनको भी ये जानकारी हो सके। वैसे सभी स्टूडेंट्स को उनके मेल पर इस जॉब की सूचना भेजी जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यह जॉब उन स्टूडेंट्स के लिए भी जाए जो नॉन SSTians हैं, यानी जो SST इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट नहीं है, वो भी इसके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहली वरीयता आपको SST इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट्स को मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 1 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, वो भी रोड एंड हाईवे में, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 3 साल का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर अच्छी नॉलेज है आपके आपके पास, और फिर 1 से 3 साल का लगभग एक फ्रेशर ही माना जाता है, एक तरह का फ्रेशर ही वो कैंडिडेट होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी जानकारियों के लिए आप ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि पोस्ट जो होगा वो पोस्ट जो होगा हेल्थ सेफ्टी एडवाइजर का होगा। हेल्थ सेफ्टी एडवाइजर का पोस्ट होगा और इसमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां पे केवल SST सर्टिफाइड कोर्स ही वैलिड होगा और उसके साथ फर्स्ट एड का होना अनिवार्य होगा। तो इस बात में कुछ जॉब के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, लेकिन बाकी के लिए जो है फर्स्ट एड कहीं कहीं आपको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी, वरीयता मिल जाएगी, लेकिन कोर्स जो होना चाहिए वो SST सर्टिफाइड जरूर होना चाहिए, काउंसिल वेरीफाइड जरूर होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ आगे, सैलरी जो होगी आपकी वो होगी 8,84,000 पर एनम, यानी एक साल में आपको 8,84,000 रुपए आपको मिलेंगे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये जो पेमेंट जाएगा आपका वो 73-74 हज़ार के करीब आपका जाता है पर मंथ। ये आपकी केवल सैलरी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका ओवर टाइम हुआ, OT अगर आप करते हैं 2 घंटे, तो OT आपको पर डे मिलना ही मिलना है, 2 घंटे, कभी 4 घंटे भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी और भी बढ़ती जाएगी। अगर उसे एक अंदाजा देखा जाए, कैलकुलेट किया जाए, तो ये सैलरी लगभग 90,000 से लेकर के 1,25,000 रुपए तक भी पहुंच सकती है। थोड़ी सी और भी जानकारी इसकी आपको मैं दे देता हूँ। कोविड वैक्सीनेशन, एक बात इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि फुली आप वैक्सीनेटेड हो चुके हों, फुली जो भी वैक्सीन है कोविड की वो वैक्सीन लगी होनी चाहिए, दोनों डोज लगी होनी चाहिए, फिर बूस्टर डोज अगर उसमें आ चुका है तो बूस्टर डोज भी आपका लगा होना चाहिए, प्रिकॉशन डोज भी लगा हुआ होना चाहिए। एक बात और आपको ख्याल रखना है कि अगर कोविशील्ड लगा है तो वही वैक्सीन दोनों बार ही लगा हो, ऐसा नहीं कि बस एक कोई वैक्सीन लगा फिर आपने दूसरी वैक्सीन नहीं लगवाई तो फिर आपका ये जो है रिजेक्शन हो जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कंपनी एकोमोडेशन मिलेगा आपको, यानी कंपनी की तरफ से रहने की सुविधा आपको मिलेगी और इसके साथ साथ कैंटीन की सुविधा भी आपको मिलेगी। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश आना अनिवार्य होगा, ये जरूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैनेजमेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का अगर डिप्लोमा कोर्स आपने किया हुआ है तो वो कोर्स जो है करके मैनेजमेंट डिप्लोमा का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा जो जो लोग कर चुके हैं वो इसे अप्लाई न करें। तो काउंसिल वेरीफाइड सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाहर है नॉन SSTians है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बाहर अगर उनकी भी काउंसिल वेरीफाइड सर्टिफिकेट है तो वो बेशक इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज होनी चाहिए इंटरनेशनल नॉर्म्स विथ वर्कप्लेस लॉ एंड सेफ्टी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो
एसएसटी इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, उन्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो स्टडी होती है, जो आपका जो सिलेबस होता है, वो सब कुछ इंटरनेशनल नॉर्म के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करें, और जो लोग भी हैं एसएसटी एसएसटीएन है, एसएसटी ग्रुप से इंस्टीट्यूट से पास किया हुआ है, पास आउट किया हुआ है, उसे आप जितना जल्द हो सके उतना अप्लाई जरूर कर दें। आपके मेल पे ये सारी चीजें भेजी जा चुकी हैं। अब वैसे अगर आपको, अगर किसी वजह से आपको लिंक नहीं मिल पाया है, पूरी जानकारी कंपनी की नहीं मिल पा रही है, तो आप कॉलेज को मेल कर सकते हैं। जो आपको मेल दिया गया है जॉब के लिए, उस पे आप मेल कर सकते हैं, और वैसे मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक से भी आप जा करके अपना जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बेहतर जॉब है आपके लिए, और वो भी बाहर के देशों के लिए। तमाम लोगों की जो बातें आती है सामने की, भाई ये विदेशी कोर्स बहुत अनिवार्य है, वो विदेशी कोर्स बहुत अनिवार्य है, तो आप इसमें देख सकते हैं, रेगुलर कोर्स की डिमांड कंपनी कर रही है। रेगुलर कोर्स मैनेजमेंट कोर्स होगा, कम से कम 12 महीने का कोर्स होगा, रेगुलर बेस में कोर्स होगा, और वो भी काउंसिल वेरीफाइड है, तो फिर आपको वरीयता मिलेगी, अदरवाइज आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू।